हेलो गाइस, मेरा नाम है आदर्श। तो अब जो नए स्मार्टफोन्स आ रहे हैं उसमें आपको वर्चुअल मेमोरी सुनने को आ रहा होगा कि अगर आपके फ़ोन में 8 GB रैम है तो उसमें 3 GB वर्चुअल मेमोरी प्लस कर दिया जाएगा और आपके फ़ोन में टोटली 11 GB रैम हो जाएगा। तो क्या ये 3 GB रैम होता है, ये आता कहाँ से है? क्या ये रैम सही में है? आपका फ़ोन अगर 8 GB के बदले आप 11 GB रैम यूज करते हो तो क्या आपका फ़ोन फास्ट हो जाता है? आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले, तो चले फिर आरम्भ करते हैं। तो बात कर लीजिए भाई, ये जो सिस्टम आया हुआ है वर्चुअल रैम का, ये आज से नहीं है, ये बहुत सालों पहले से ही है। पहले जब वो छोटे स्मार्टफोन्स आते थे उसमें भी यूज होता था, विंडोज़ में भी यूज होता ही है। बात कीजिए जो लिनक्स ओएस आता है उसमें भी यूज होता ही है, लेकिन अब जो है भाई कंपनी ऑफिशियल दे रही है तो उसके चलते हाइप क्रिएट ज़्यादा कर रही है। पहले कैसे होता था कि जिनके स्मार्टफोन्स में रैम कम होता था लेकिन इंटरनल स्टोरेज ज़्यादा होती थी, जैसे कि रैम 1 GB है, इंटरनल स्टोरेज 16 GB है, उनको इंटरनल स्टोरेज की ज़्यादा काम है नहीं, वो मेमोरी लगा के जो अपनी इंटरनल स्टोरेज उसे बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो इंटरनल स्टोरेज का तो काम कम ही रह गया, तो क्या करते थे अपने फ़ोन को रूट करके, रैम तो होता ही था प्लस जो उनकी इंटरनल स्टोरेज होता था उसको रैम के तौर पे यूज़ कर लेते थे। जैसे 1 GB रैम, इंटरनल स्टोरेज 16 GB, उसमें से 2 GB प्लस इसमें कर देंगे तो टोटल 1 GB की जगह 3 GB रैम बन जाता था। और ये आज से नहीं है, ये बहुत पहले से है, पहले रूट करना पड़ता था। अब जो है कंपनी से फीचर्स के नाम पे हाइप क्रिएट कर रही है, सिंपली वही काम होता है। और ये कंपनी जो दे रही है रैम एक्सपेंडेशन या यू कहीं वर्चुअल रैम, ये भी वही है सिम, इसमें कोई फ़र्क देखने को नहीं मिलता है। जैसे कि जो आपकी इंटरनल स्टोरेज होती है ऐसे ही 32 GB यानी 32 GB है, आपके फ़ोन में रैम है 4 GB है, यू कहे 8 GB, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं 8 GB है, क्या होता 32 GB में से 3 GB इधर चला आएगा, यानी आपके जो रैम होगा वो टोटल 11 GB हो जाएगा और जो आपका इंटरनल स्टोरेज होगा 32 GB की जगह ये 28 GB हो जाएगा, ठीक है 29 GB हो जाएगा, 3 GB अगर इसमें से गया तो 29 GB हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं, रैम को जो है इंटरनल स्टोरेज से उठा लेते हैं और इसको रैम के तौर पे काम कर लेते हैं। तो ये वर्क कैसे करता है, तो क्या होता है जैसे कि आपने एक साथ में 5 ऐप्स ओपन किया हुआ है, ठीक है, और आपका जो रैम है वो 5 ऐप्स को एक साथ में हैंडल नहीं कर सकता है, उसके ऊपर ज़्यादा जोर पड़ रहा है। तो वर्चुअल रैम क्या करता है, जो 5 के 5 ऐप्स आप एक साथ तो यूज करोगे नहीं, ठीक है, तो उसमें से क्या होगा अगर आप जो ऐप यूज कर रहे हो उसको छोड़ के या यूँ कहें दूसरे नंबर को या तीसरे चौथे पांचवें पांचों में से कोई एक ऐप्स को उठा लेगा, वो वर्चुअल रैम में डाल देगा। वर्चुअल रैम करता क्या है, सिंपल वो अपने पास ऐप्स को ओपन रखता है बस, उसमें कुछ हलचल कुछ नहीं करेगा, बस खाली अपने पास संभाल के रखेगा। इससे क्या होगा कि अगर आप जैसे उसके ऐप के ऊपर क्लिक करोगे तो वापस वर्चुअल रैम से ये टोटल सीधा रैम में आ जाएगी और इससे आपका एक्सपीरियंस बढ़िया रहेगा। ये आपका फ़ोन के जो है स्पीड फास्ट नहीं करता है, ये जो गिमिक क्रिएट कर रही है कंपनियां, इसमें आप जरा सा भी ना पड़िए। हाँ, एक फीचर के तौर पे आप इसका यूज कर सकते हो, लेकिन एक ऐसा पूछो भाई भाई मेरा फोन बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा, मेरे फोन में 15 GB रैम आ गया, मेरे फोन में 11 GB रैम आ गया, तो ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि जो रैम की टाइप्स होती है वो आपने सुना होगा LPDDR4X रैम, LPDDR5 रैम, जो रैम की रीड और राइट स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा होती है और इनकी जो इंटरनल स्टोरेज होती है वो कम आपको देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा जो रैम्स होता है, फिर उसके नीचे UFS की स्टोरेज टाइप आती है, फिर उसके अंदर जो आप माइक्रो एसडी कार्ड यूज करते हो वो वाली स्टोरेज टाइप आती है। तो जो अब आप खुद ही सोचिए भाई कि आप अगर इंटरनल स्टोरेज को रैम के तौर पे अगर आप यूज करते हो तो ऑटोमेटिक तो भाई आपकी स्पीड कम ही हो जाएगी, क्योंकि उसकी रीड और राइट स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और इसकी रीड और राइट स्पीड रैम के मुकाबले कम होती है, ज़्यादा होती मैं बोल नहीं रहा हूँ कम होती, लेकिन रैम के मुकाबले आपको हमेशा कम देखने को मिलेगा। तो यही सब पूरा मामला है। और क्या करता है भाई, मैंने आपको बताया 5 ऐप्स है, अगर आप कोई छठा ऐप ओपन कर रहे हो 5 में से कोई ऐप को वो वर्चुअल रैम में डाल देगा, वहाँ पे वो अपना शांति से बैठा रहेगा। जैसे ही आप 5वें छठा में से कोई दूसरा क्लोज करोगे सिंपली वापस ऐसे से भेजता रहेगा। इससे क्या होगा, ये जो स्पीड रहता है ये बहुत फास्ट होता है, फास्ट होगा तो इससे क्या होगा कि आपको पता नहीं चलेगा, आपका जो एक्सपीरियंस हो वो वैसा ही रहेगा, कोई इसमें फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा, बस ये होगा कि वर्चुअल रैम में चला जाएगा। तो आखिर में जाके भाई कंक्लूजन क्या निकल गया था कि आपको वर्चुअल रैम यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अभी तक तो भाई मैंने जितना भी देखा है, जितना भी पढ़ा या जितना भी टेस्टिंग किया, तो उसमें यही सामने निकल के आता है कि भाई वर्चुअल रैम यूज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस कंपनी क्या करती है, इसे 5G के नाम पे कैसे हाइक क्रिएट कर रही है, वैसे ये भाई रैम एक्सपेंडेशन, आप रैम बढ़ा लीजिए 8 GB रैम, 11 GB रैम कर लीजिए, इस तरह करके उन्होंने गिमिक क्रिएट किया हुआ है। ये कोई यूज में नहीं आता। अगर आपके फोन में 8 GB रैम है तब पर भी एकदम मस्त चलेगा भाई,
अब आप खुद ही सोचिए, पहले 1 GB RAM आता था भाई, 8 GB RAM तक पहुंच चुका है, अब उससे ज़्यादा और कितना फास्ट लोगे आप। तो 8 GB RAM इनफ है, 11 GB RAM करने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, आपका इंटरनल स्टोरेज कम पड़ जाएगा, क्योंकि आपको पता है आज के समय फाइल अगर आप बड़ी बड़ी रखते हो तो इंटरनल स्टोरेज भाई 32 GB कुछ नहीं रहेगा आज के समय में, भाई भरने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो इंटरनल स्टोरेज ऑलरेडी आपकी कम हो जाएगी। तो ये बस वही करता है, इंटरनल स्टोरेज का यूज़ करके रैम में डाल देता है और ये वर्चुअल रैम के रूप में यूज़ करते हैं। तो यही सारा प्रोसेस होता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप वर्चुअल रैम का यूज़ ना ही कीजिए तो बढ़िया रहेगा, जो कंपनी देती है 8 GB RAM भाई इनफ है, चाहे जितना हैवी यूज़र हो उसके लिए 8 GB इनफ रैम निकल के आ जाता है। तो चलिए गाइस, अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद जो बेल आइकन है उसे भी दबाएं, सुनो एक्साइटिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।